हेलो फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी के लिए हम ले रहे हैं सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल। और इस मिक्सिंग बाउल में मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो 2 कप मैदा ले सकते हैं या फिर 2 कप गेहूं का आटा, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा ही प्रोपोर्शन ले सकते हैं। आप पूरी तरह से इसे गेहूं के आटे या पूरी तरह से मैदा से बना सकते हैं, बट जस्ट टू मेक इट अ लिटिल हेल्दी मैं उसको मैदा और गेहूं के आटे के मिक्स से बना रही हूँ। तो अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे एज पर टेस्ट, और साथ ही में मैं इसमें डालूंगी कैरन सीड्स यानी कि अजवाइन। ये जाएगा करीब 1/2 टीस्पून। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल ऑयल 1/4 कप, लेकिन इसे धीरे धीरे डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद, आप देख सकते हैं मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ उतना ही पानी डालना है जितना कि इस डो को एक साथ इकट्ठा करने के लिए हमें ज़रूरी होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा डो प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन अभी ये स्मूथ नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा सा नीड करूँगी करीब 1 से 2 मिनट तक, तब तक जब तक ये अच्छी तरह से स्मूथ नहीं हो जाता। तो इसे हम इस तरह से नीड करते हुए स्मूथ करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा डो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो चुका है। आप देख सकते हैं ये एकदम स्मूथ है और ये एकदम सेमी सॉफ्ट है, ना बहुत हार्ड है ना बहुत सॉफ्ट है। ये सेमी सॉफ्ट डो प्रिपेयर हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इस डो को ढक कर रखेंगे रेस्ट करने के लिए कम से कम आधा घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे डो को आधा घंटा हो चुका है, चलिए चेक कर लेते हैं। अब हम एक बार फिर से इसे अपने हाथ से नीट करेंगे ताकि हमारे जो डो का टेक्सचर है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है, और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया है, और ये बिल्कुल रेडी है आप नमकीन बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नमकीन बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक छोटा सा पोर्शन अपने डो का। ये काफ़ी छोटा है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक नींबू का जस्ट हाफ साइज, तो ये काफ़ी छोटा है साइज में। आप चाहें तो साइज थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, पर मुझे थोड़ा छोटे साइज का अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे काफ़ी छोटा पोर्शन लिया है। तो अब अपने हाथ से इस तरह से इसे राउंड करेंगे, और अब मैं थोड़ा सा ऑयल लूंगी इस प्लेटफॉर्म पर ताकि थोड़ा सा ग्रीस कर सकूं इसे। और अब हम इसे रख कर फ्लैट करेंगे और इसे रोल करेंगे। हमें इसे उतना पतला रोल करना है जितना हम कर सकते हैं। अगर आपको बड़े साइज का बनाना है तो आप अपना जो डो है वो पोर्शन बड़ा ले सकते हैं, पर मुझे थोड़े छोटे साइज का अच्छा लगता है, इसलिए मैं डो का पोर्शन छोटा लेती हूँ। तो आप एकदम पतला ले लीजिए, जरूरी नहीं कि आप एकदम से राउंड परफेक्टली रोल कर पाए। आप देख सकते हैं ये काफी पतला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रखेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे हाफ में, और उसके बाद एक बार और इसे फोल्ड करेंगे तो ये ट्रायंगल की शेप ले लेता है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे एक सेपरेट प्लेट में रखूंगी। तो अब इसी तरह से अब हम दूसरा बना लेते हैं। छोटा सा पोर्शन लेंगे, फ्लैट करेंगे और इसे रोल करेंगे। और इसे उठाकर पहले हाफ में, उसके बाद एक और हाफ में, और ये ट्रायंगल बन चुका। इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे ले लेंगे। इसी तरह से आप बाकी भी बना लेते हैं। तो हमने सारी नीमकी रोल कर लिए, चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके नीमकी को उसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे, लेकिन एकदम लो फ्लेम पर। एक बार में बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, अदरवाइज टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा इस ऑयल का।
तो हम छोटे छोटे बैचेस में ही इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, लेकिन लो फ्लेम पर। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि लो फ्लेम पर करने पर इसके जो अंदर की सारी लेयर्स हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी और क्रिस्प हो जाएंगी। और अगर हम इसे हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ये बाहर से तो पक जाती हैं लेकिन अंदर से थोड़ी कच्ची और सॉफ्ट रह जाती हैं। तो इसलिए हम इसे एकदम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे एकदम क्रिस्प होने तक। सो फ्रेंड्स, हमारी जो नीमकी है उसे अब हम फ्लिप कर देते हैं क्योंकि आज मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे फ्लिप कर करके अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ताकि जो नीमकी है वो दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसके अंदर की जो लेयर्स हैं वो भी क्रिस्प हो जाए। लेकिन अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो आपको फ्लिप करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब ये फ्राई होगी तो ये ऑलरेडी नीचे से ऊपर आ जाती है जब ये रेडी हो जाती है। लेकिन अगर आप मेरी तरह शेलो फ्राई कर रहे हैं तो उसे फ्लिप कर करके ज़रूर फ्राई करें। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी निमकी में कितना अच्छा कलर आ गया है। इसमें बहुत ही अच्छा सा ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और ये बिल्कुल रेडी हैं निकालने के लिए बाहर। लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारी निमकी में लेयर्स होती हैं तो हम इसका ऑयल अच्छी तरह से स्ट्रेन करेंगे इस तरह से साइड में लगाकर करछली को, ताकि इसकी लेयर्स के बीच में बिल्कुल ऑयल ना हो क्योंकि कभी कभी लेयर्स की वजह से इसके बीच में ऑयल चला जाता है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऑयल निकाल के इसको बाहर निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बैच रेडी हो चुका है, अब मैं दूसरा बैच फ्राई कर रही हूँ। अब हम इसी तरह से एक एक करके नीमकी को ऑयल में डालेंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हमारी बाकी नीमकी भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं तो चलिए इन्हें भी अब बाहर निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी नीमकी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं ये फ्राई होकर कितनी अच्छी लग रही है। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं चाय कॉफ़ी के साथ या फिर आप इसे किसी अचार, चटनी या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगती है। फ्रेंड्स, आप इसको ठंडा करके किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ करीब 1 से 2 महीने तक तो होती ही है अगर आपके घर में ये बच गई तो। एक्चुअली ये इतनी टेस्टी लगती है कि जब आप इसे खाने बैठेंगे तो आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आपने कब सारी नीमकी खा ली। वेल, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर, और आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम हर रोज़ मिल सकें कुछ नई नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ और टिप्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय।